मैंने तो बड़ी देर तक देखा, कई बार देखा मैंने उसको, और पंखे की आवाज चल रही थी, मैंने पंखे बंद कर दिए अपने ऑफिस में। मैंने कहा ध्यान से सुनो, कुछ तो होगा इन पे, उसमें कुछ नहीं है। आप भी उसको सुन लो, 10-12 बार सुन लो, उसमें कुछ भी नहीं है। ये पता नहीं किसी को ले आए और उसका स्टिंग कर दिया। अरे कोई एक्साइज का कमिश्नर होता, कोई मंत्री होता, कोई आदमी होता जो किसी का नाम ले रहा होता, कोई मुख्यमंत्री का नाम ले रहा होता, कोई क्या कहते हैं उप मुख्यमंत्री का नाम ले रहा होता, उसमें कोई नाम नहीं, कुछ नहीं, उसका कोई सर पैर नहीं। एक बात तो, कौन सनी मारवा को? हमारा कोई रिश्तेदार है, हमारा कोई मंत्री है, हमारा कोई विधायक है, कौन है? इन्हीं का आदमी, इन्हीं ने 13वें पे नहीं तो 14वें पे डाल दिया, 14वें पहले डाले, हमने कोने डाला उसको, इन्होंने डाला है। इन्हीं का आदमी और पता नहीं उसके कौन रिश्तेदार का कोई कर रहा है, और जो पूछ रहा है उसको ज्यादा पता है, बल्कि उसका स्ट्रिंग कर लेते जो पूछ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा था पूछने वाले को ज्यादा स्टोरी पता थी, उसे कम पता थी। वो कह रहा भाई साहब ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा कह रहा, हाँ हाँ उसको ज्यादा है। तो इनको डबल कैमरा स्टिंग करना चाहिए था, एक तो वो जो स्टिंग कर रहा है उसका, और एक जो करवा रहा है उसका, ताकि दोनों का पता चले उसके पास ज्यादा स्टोरी है। बिल्कुल बेकार, बीजेपी का स्टैंडर्ड बिल्कुल थर्ड क्लास, बिल्कुल बेकार स्टिंग लेके आए। इनको कहो कुछ तो लेवल बनाओ यार अपना, तुम क्या लेके आयो इतने दिन। अच्छा इससे एक बात और साबित हो गई, इनके पल्ले कुछ नहीं, इनके पल्ले कुछ भी नहीं है, वरना ये अब तक पता नहीं क्या कर देते। सोचिए सीबीआई ने उप मुख्यमंत्री के ऊपर एफआईआर कर दी, एक्यूज नंबर वन। पूरे दिन बहस कर रहे हैं इनके प्रवक्ता, और ये कह रहे हैं ईडी में केस हो जाएगा, और हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, और लाए एक स्ट्रिंग और वो पता नहीं किसका है। आप इससे समझिए कि इनके पास कुछ नहीं है, ये सिर्फ जो है फिशिंग कर रहे हैं, फिशिंग जॉब, कि कहीं कहीं कुछ मिल जाए इस दौरान तो हम अपनी इज्जत बचा लें। और कुछ नहीं है इनके पास, इन्हें कोई पैसा नहीं मिला, इन्हें कोई ज्वेलरी नहीं मिली, इन्हें कोई जो है बेनामी प्रॉपर्टी नहीं मिली, इन्हें कोई पैसा देने वाला नहीं मिला, इन्हें कोई पैसा लेने वाला नहीं मिला।